Hello friends, I am Ravi Kumar, coach of Karan Sharpshooter Jalandhar. I am a certified coach of shooting. तो आज मैं आपके सामने दो राइफल्स लेके आया हूँ. आज इनके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ, जो कि एक इंडियन राइफल है और एक इम्पोर्टेड राइफल है. तो सबसे पहले मैं आपको ये जो हेमली राइफल है, जो कि ये जो इसको वोल्थर कंपनी बनाती है और ये इम्पोर्टेड राइफल है, जर्मनी से आती है ये राइफल. और ये जो PX100 मैच प्रो राइफल है, ये मेड इन इंडिया है और इसको प्रेसी होल स्पोर्ट्स कंपनी बनाती है. तो सबसे पहले मैं आपको इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ. तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि अपनी जो इंडियन राइफल है ये बड़ी स्पोर्टी लुक के साथ आती है. और जो ये राइफल्स है, ये दोनों राइफल्स है, ये ISSF रूल्स के मुताबिक ही बनाई गई है. तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि जो कि इसकी जो बैरल है वो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ISSF रूल्स के मुताबिक. जो मैक्सिमम हम 850 mm तक इसको मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं. और इसके अंदर जो इसकी जो बैरल है वो फिक्स्ड है, हम एक्स्ट्रा इसको बढ़ा नहीं सकते. उसके बाद सब पीछे आ जाते हैं तो ये इसके अंदर एक ट्रिगरिंग मोड दिया गया है. और इस राइफल के अंदर ट्रिगरिंग मोड नहीं है, हम ट्रिगरिंग के साथ अपनी ट्रिगरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इसके अंदर दिया गया है. इस राइफल के साथ इसके साथ साइट रेजर जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इससे हम अपनी साइट ऊपर या नीचे कर सकते हैं. बट इस राइफल के साथ हमें साइट रेजर इसके साथ नहीं मिलते. उसके बाद मैं आपको ट्रिगर दिखाता हूँ, जो कि ट्रिगर इस राइफल का ओवल शेप के अंदर आता है, बट इस राइफल के अंदर जो ट्रिगर है वो राउंड शेप के अंदर आता है. और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो इसका जो सिलेंडर है वो रिमूवेबल है. हम इसको फिलिंग करने के लिए इसका जो सिलेंडर है वो उसको खोल सकते हैं. जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने इसको खोलने के बाद इसको हम फिल कर सकते हैं. बट जो इसका जो सिलेंडर है वो ऑलमोस्ट इसके साथ फिक्स्ड है. हमें इसको जो फिल करने के लिए हमें इस जगह पे नोजल लगा के उसको जो सिलेंडर है वो फिल करना पड़ता है. और इस जगह पे ये इसका साइड लीवर दिया गया है. जब हम इसको लोड करते हैं तो ये साइड लीवर से हम इसको लोड कर सकते हैं. बट इस राइफल के अंदर हमें जो साइड लीवर है वो पीछे से दिया गया है. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको पीछे से खींचना, बट हम जब साइड लीवर से इसको ओपन करते हैं तो ईजी होता है. उसके बाद आ जाता है चीक प्लेट. चीक प्लेट दोनों ही एडजस्टेबल है, ये ऊपर नीचे हो सकती है और इसको हम ऊपर नीचे और आगे पीछे भी कर सकते हैं. बट इस राइफल के अंदर हम सिर्फ अप एंड डाउन ही कर सकते हैं. उसके बाद ये एक्स्ट्रा वेट दिया गया है इसके अंदर, बैलेंस राइफल को बैलेंसिंग करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा वेट इसके अंदर दिए गए हैं. उसके बाद ये बट प्लेट है जो कि एडजस्टेबल है. और इस राइफल के अंदर जो बट प्लेट है वो भी आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो. तो जैसे कि मैंने राइफल के बारे में बताया कि दोनों ही राइफल अच्छी है. और जो सबसे जो मेजर पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉस्ट है वो इस राइफल की नियर अबाउट 50,000 बस, बट इस राइफल की नियर अबाउट 1 lakh के करीब जो कि राइफल का रेट आता है. तो मैंने आपको दोनों राइफल्स के बारे में बताया. और अगर इन राइफल्स के रिगार्डिंग अगर आपको और जानकारी चाहिए या इनके बारे में पूछना हो तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9882-2248 या जो हमारी वेबसाइट है karnsharpshooter.com पे जाकर हमें संपर्क कर सकते हो. और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा. थैंक यू.